नमस्ते नमस्ते। हाँ तो बच्चों, आज तुम लोग सोच कर आए हो ना कि तुम लोग बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? हाँ। तो सबसे पहले कौन बताएगा? मास्टर जी, मैं बताऊँ? हाँ पिंकी, तुम बताओ। मास्टर जी, मैं बड़ी होकर टीवी के नाटक में आऊंगी। हाँ मास्टर जी, पेट में दर्द होने का नाटक बहुत अच्छा कर दे। शोर नहीं, एकदम आवाज नहीं। हाँ तो चंदन, अब तुम्हारी बारी। मास्टर जी, बड़ा होकर हलवाई बनूंगा। हाँ मास्टर जी, लड्डू हलवाई बनेगा और इसका नंबर भी लड्डू ऐसा गोल आता है। बदमाशी नहीं। अच्छा तुम लोगों को पता है कि बिल्लू क्या बनेगा? नहीं मास्टर जी। नहीं पता? बिल्लू बड़ा होकर नहीं, अभी मुर्गा बनेगा। अच्छा बिल्लू, अब तुम बताओ कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मास्टर जी, मैं बड़े होकर पापा बनूंगा। बेटा तुम पापा ही क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मेरे पापा सबकी जान बचाते हैं। हाँ मास्टर जी, जब मेरे छोटी गुड़िया को दस्त हुआ था तब बिल्लू के पापा ने ही उसकी जान बचाई थी। मास्टर जी, बिल्लू के पापा की दवाई से सब ठीक हो जाते हैं। हमारे गांव में भी सब बिल्लू के पापा से ही दवाई लेते हैं। हाँ मास्टर जी। कब से हो रहे हैं दस्त गुड़िया को? आज सुबह जब से ही उठी है, पतला पतला पानी से ही बह रहा। अच्छा किया जो आज ही ले, वरना जब तक दस्त बिगड़े ना और बच्चे की जान पर न बने उसके पहले लोग कहाँ जरूरत समझते हैं दिखाने की। ये ORS का पैकेट है, इसे 1 लीटर साफ पानी में घोल कर हर दस्त के बाद आधा ग्लास पिलाना है और एक बार बनाया गया घोल 24 घंटे के बाद इस्तेमाल नहीं करना है। ये जिंक की गोली है, एक गोली दिन में रोज एक बार देनी है, पूरे 14 दिनों तक। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। दस्त एक गंभीर बीमारी है, लेकिन तुरंत इलाज मिलने पर ये जल्द ठीक भी हो जाती है। लेकिन इसे मामूली बीमारी समझकर इसको नजरअंदाज करना या फिर इसके इलाज में लापरवाही बरतना बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। और इसी लापरवाही के गुजरते हर घंटे में 24 से भी ज्यादा बच्चों की जान चली जाती है। और पिछले साल सिर्फ भारत में ही 2,12,000 से भी ज्यादा बच्चों की जान दस्त ने ली है। और ऐसा नहीं है कि इसका इलाज हमारे पास ना हो, इसका इलाज हमारे पास है और बहुत आसान इलाज है। WHO ORS और जिंक, इस इलाज को समय रहते बच्चों तक अगर कोई पहुंचा सकता है तो वो है हम और आप। इस इलाज के बारे में मैंने जाना है और मैं चाहता हूं कि आप भी इसके इलाज के बारे में जानें। कब कहें कि बच्चे को दस्त है? सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि उस बच्चे की उम्र क्या है। अगर बच्चे की उम्र 2 महीने या 2 महीने से कम है तो क्या उसे रोज से ज्यादा बार लैट्रिन हो रही है? क्या उसकी लैट्रिन की अवस्था में बदलाव है? अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से 5 साल के बीच में है तो क्या उसे पिछले 24 घंटे में 3 या 3 से ज्यादा बार पतली या फिर पानी वाली लैट्रिन हो रही है? अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे तो समझ लें कि बच्चे को दस्त है। दस्त कैसे भी हो, दस्त में निर्जलीकरण एक गंभीर समस्या है और ये जानलेवा हो सकता है। इसकी पहचान कैसे करें? बच्चे के माता या पिता से ये पूछें, क्या आपका बच्चा बेचैन और चिड़चिड़ा रहता है? क्या वो बेचैनी से पानी पीता है या फिर उसे बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी है? क्या वो कमजोरी से बेहोश हो चुका है? स्वयं देखें कि पेट के बाजू में चिकोटी काटने पर उसकी त्वचा क्या धीरे से वापस आ रही है? क्या उसकी आंखें अंदर धसी हुई लग रही हैं? अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो समझ लें कि दस्त गंभीर हो चुके हैं और ऐसे में ORS और जिंक ही इसका सही और आसान इलाज है। और बच्चे भी इसे बहुत चाव से पीते हैं। एक जिम्मेदार डॉक्टर को दस्त में बच्चों को ORS और जिंक ही देना चाहिए, जैसे कि मैं देता हूं, क्योंकि WHO ORS उल्टी और दस्त में जल्दी कमी लाता है। शरीर में पानी, नमक और अन्य पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर यह दस्त को जल्दी ठीक करता है। जिंक शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति को लौटाता है। जिंक अगले 3 महीनों तक दस्त और अन्य बीमारियों से बच्चे का बचाव करता है। जिंक का वर्षों से आयुर्वेद में भी एक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधि के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। आइए जाने कि ORS घोल बनता कैसे है।
सबसे पहले ये जान लें कि इस ORS को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जांच करने की सलाह दें। कहीं पैकेट के पीछे लिखी तारीख निकल तो नहीं गई। ORS के बड़े पैकेट को 1 लीटर साफ पानी में घोल लें। अगर पैकेट छोटा हो तो उसे 200 ml पानी में घोल लें। और एक बात याद रखें कि एक बार बनाया गया घोल सिर्फ 24 घंटे के लिए ही है। बच्चों को ORS का घोल कब पिलाएं? 2 महीने से 2 साल के बच्चों को 1/4 या फिर आधा ग्लास ORS का घोल हर पतली दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं। अगर वो ग्लास से पी सकते हैं तो उन्हें ग्लास से पिलाएं। अगर बच्चे की उम्र 2 साल से 5 साल है तो आधा ग्लास से 1 ग्लास ORS हर पतले दस्त के बाद थोड़ा थोड़ा करके पिलाने की सलाह दें और बच्चे इसे बड़ी चाव से पीते। जिंक की दवा बच्चे को कब पिलाएं? जिंक की दवा बच्चे को 14 दिनों तक दिन में सिर्फ एक बार देनी होती है। अगर बच्चे की उम्र 2 महीने से 6 महीने के बीच में है तो आधी गोली माँ के दूध में घोलकर पिलाने की सलाह दें। और अगर सिरप दे रहे हैं तो आधा चम्मच सिरप पिलाने की सलाह दें। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से 5 साल के बीच में है तो 1 गोली साफ पानी या माँ के दूध में घोलकर पिलाने की सलाह दें। और अगर सिरप दे रहे हैं तो 1 चम्मच सिरप पिलाने की सलाह दें। शहर के अनुभवी डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं। बच्चों तक ORS और जिंक पहुंचाने की हम सबकी यह मुहिम अब एक लड़ाई है। हमारे और इस बीमारी के बीच, जिंदगी और मौत के बीच, और यह लड़ाई हमको और आपको मिलकर जीतनी है। मैं और मेरे कई साथी हर गांव, शहर में दस्त से पीड़ित बच्चों तक ORS और जिंक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, दस्त की शुरुआत में ही बच्चों को मिला सही राज उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर सकता है। और शुरुआत से ही दस्त से कैसे निपटना है ये अब आपको पता है। डॉक्टर की दी सही दवा अपना असर दिखाती है सारे समाज पर। आप भी दस्त से पीड़ित बच्चे को WHO ORS और जिंक दें ताकि आपकी दवा का असर भी दिखने लगे सारे समाज पर और आपके खुशहाली पर भी।